जब सरहद की हिफाजत की हो तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना देवभूमि की युवाओं की पुरानी परंपरा है। भारतीय सैन्य अकादमी ने आज 314 कैडेट्स पास आउट होकर देश की सेना में अफसर बन गए। पासिंग आउट परेड में यूपी के 51, हरियाणा के 30, उत्तराखंड के 29 कैडेट्स सेना में अफसर बने। शनिवार सुबह 9 बजे बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के जेओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस दौरान 11 मित्र देशों के 30 कैडेट्स भी अंतिम पग भरकर अपने अपने देश की सेनाओं का हिस्सा बने। देहरादून में मैं समर वैली स्कूल में था, इसके बाद यहाँ से सैनिक स्कूल बालाचडी गया गुजरात में, उसके बाद एनडीए, फिर आई एम, और ये तो बहुत ही गौरवशाली अवसर है मेरे लिए, माता पिता के लिए और इनफैक्ट सभी के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं नेशनल डिफेंस अकेडमी का ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने इंडियन मिलिट्री अकेडमी से अपनी फाइनली कमीशनिंग पूरी की है, और इससे पहले मैं आर्मी पब्लिक स्कूल डकशई, उसमें भी मैंने 4 साल बोर्डिंग में ट्रेनिंग किया, और फाइनली आज पिपिंग होने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरे फैमिली के लिए भी ये बहुत प्राउड मोमेंट है। पासिंग आउट परेड में पहले बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को शामिल होना था, लेकिन किन्हीं वजहों से वो एक दिन पहले उनका कार्यक्रम रद्द हुआ। शनिवार को अफसरों के परिजन भी परेड में पहुंचे। सैन्य अफसर की शपथ लेते ही युवा गदगद नजर आए। ये तो सर शब्दों में तो ये मेरा भाई यही कर सकता है, छोटा भाई है, यही बता सकता है, सारी मेहनत इसकी और मेरी वाइफ की। हमें बहुत गर्व है कि हम देश की जो है सो सेवा कर रहे हैं, और एज ए दोनों मेरे बेटे जो कि ऑफिसर्स रैंक में ज्वाइन किया है, तो हमें और भी खुशी होती है, और देश के लिए जो है देश की कुर्बानी देने का जो है एक अलग से जज्बा जो है एक जुनून पैदा होता है। और जिस प्रकार से हमने जो है वो देश के लिए 34 साल सर्विस की है, उसी प्रकार से हमारे बेटे भी जो है वो देश के लिए जो है हमेशा जो है सेवा देते रहेंगे। सुबह 8:55 पर मार्कर्स काल के साथ परेड शुरू हुई। भारत माता तेरे कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम आईएमए गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट्स ड्रिल स्क्वायर तक पहुंचे तो लगा कि विशाल सागर उमड़ आया। एक साथ उठते कदम और गर्व से तने सीने दर्शक दीर्घा में बैठे हर एक नागरिक को गौरवान्वित महसूस करा रहे थे। परेड के बाद निजाम पवेलियन में आयोजित पीपिंग और ओथ सेरेमनी में भाग लेने के बाद सभी जेंटलमैन कैडेट सेना में अफसर बन गए। उत्तराखंड के युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। आईएमए से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर पास आउट होने वाले जेंटलमैन कैडेट्स की संख्या इसकी तस्दीक करती है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखें तो देश को सबसे अधिक जांबाज देने वाले राज्यों में उत्तराखंड शुमार है। आईएमए में हर साल 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड में इसकी झलक दिखती है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश कैडेट्स की संख्या भले ही सबसे अधिक है, मगर इसकी तुलना वहाँ की आबादी के हिसाब से करें तो सेना को जांबाज देने में इस बार भी उत्तराखंड ही अव्वल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।